ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर तीसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए फूलपरास प्रखंड में विभिन्न अलग अलग पदों के लिए प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया सम्पन्न हो गयी। फूलपरास में पंचायत चुनाव के विभिन्न पदों पर कुल नामांकन 1422 प्रत्याशियों के द्वारा पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें मुखिया पद के लिए 103, सरपंच पद के लिए 80, पंचायत समिति सदस्य के 110, वार्ड सदस्य के 774 और वार्ड पंच के लिए 355 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। मधुबनी जिले में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर होने वाले तीसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई। प्रखंड क्षेत्र के कई दिग्गजों ने मुखिया सहित विभिन्न पदों के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। प्रखंड के मॉडल पंचायत धर्मडीहा पंचायत से एक बार पुनः पूर्व मुखिया विभा सिंह ने मुखिया पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। धर्मडीहा पंचायत के पूर्व सह मुखिया प्रत्याशी विभा सिंह राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हो चुकी हैं। विभा सिंह के पूर्व के कार्यकाल में ही धर्मडीहा पंचायत को मॉडल पंचायत का दर्जा मिला था। धर्मडीहा के निवर्तमान मुखिया संतोष कुमार सिंह विभा सिंह के पति हैं। विभा सिंह निवर्तमान मुखिया संतोष कुमार सिंह और अपने दर्जनों समर्थकों के साथ फूलपरास प्रखंड कार्यालय पहुंचकर प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। जनता की आवाज है, जनता पर विश्वास रखते हैं, विकास किए हैं और जनता आगे है। जनता विभा सिंह को जिताने के लिए हजारों थमरिया से सके के वहाँ आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। वो विभा सिंह राष्ट्रपति हमारे मुखिया है, सौभाग्य है थमरिया पंचायत का, उन्हें पूरा हम अपना भी सीट दे रहे हैं लड़ने के लिए। तो विभा सिंह हजारों मौके पर प्रवेश कुमार बनायता, प्रोफेसर सुभाष सिंह, मोहन सदाय, देवनंदन कामत, संजय कामत, उमेश कामत, विवेक कामत, मनीष कुमार बनायला, लखन राय, महेश यादव, उमेश्वर प्रसाद सिंह सहित अन्य समर्थक मौजूद रहे। मधुबनी से चौथा स्तंभ के लिए जयलेंद्र यादव की रिपोर्ट।